जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के दौरान प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बीच पार्किंग को लेकर नोएडा पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से निर्धारित रूट का पालन करने की अपील की है। इस बीच जेवर हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। जेवर के चप्पे चप्पे पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इनमें पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स समेत लगभग 5,000 पुलिसकर्मी शामिल है। सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए 12 एसपी स्तर के अधिकारी, 12 एएसपी, 23 डीएसपी, 63 निरीक्षक और जिले के 9 थाना प्रभारी तैनात किए गए हैं। जेवर के विकास के लिए योगी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण के विकास के लिए 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इसका निर्माण एविएशन सेक्टर की कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी करेगी। एयरपोर्ट का विकास 2 स्टेज में होगा। पहले चरण में ये एयरपोर्ट 2 रनवे का होगा। 2 रनवे के जरिए सालाना करीब 1 करोड़ यात्री आ जा सकेंगे। इस पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दूसरे स्टेज में रनवे की संख्या 5 हो जाएगी, यानी एशिया का सबसे बड़ा चौथा एयरपोर्ट होगा। आने वाले दिनों में ये औद्योगिक और सर्विस सेक्टर की गतिविधियों का हब बनेगा। योगी सरकार का दावा है कि जेवर एयरपोर्ट न सिर्फ विकास की नींव तैयार करेगा बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा। एयरपोर्ट के बन जाने से पश्चिमी यूपी में खासकर भारी निवेश की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में $2 बिलियन का निवेश आ चुका है। जेवर और आसपास के क्षेत्रों में 60,000 करोड़ के निवेश का अनुमान है। एयरपोर्ट से अलग अलग तरीकों से 1,00,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सिंधिया ने ये भी कहा कि जेवर में बनने वाला एयरपोर्ट अपने साथ विकास की राह खोलेगा, जिसका श्रेय पीएम मोदी को जाता है। अब अवसर और उम्मीदों के जेवर पर सबकी निगाहें टिकी हैं। डेडलाइन फिक्स है। जेवर एयरपोर्ट का पहला फेज अगले 3 साल में पूरा हो जाएगा। हालांकि 2022-23 से एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं की शुरुआत का लक्ष्य है। इससे पश्चिमी यूपी समेत एनसीआर विकास को नई रफ्तार मिलेगी। फिलहाल दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। जेवर एयरपोर्ट के बाद दिल्ली देश का ऐसा पहला शहर बन जाएगा जिसके 70 किलोमीटर की रेंज में 3 हवाई अड्डे होंगे। एयरपोर्ट को 3 एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, मेट्रो कनेक्टिविटी की जाएगी। इसके लिए एयरपोर्ट से आईजीआई और ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो चलेगी। साथ ही दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का एक स्टेशन भी एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग पर बनाया जाएगा।